कितने लोग लक्ष्मी मुद्रा जानते हैं, मैंने कई बार सिखा दिया, करके बताऊं, बहुत होशियार है। बाकी कोई मुद्रा बोलो भूल जाए, लेकिन ये मुद्रा में पूरा दिल लगता है। हाँ, बड़े औरत हो आदमी हो, औरतों को भी पति पूछता है, कुछ पैसे हैं क्या, मेरे को बहुत तंगाई है। पत्नी बोलती है, जेर खाने को भी पैसे नहीं है मेरे पास, मेरे को काहे लिए पूछ रहे हो। आया नवंबर 8 तारीख और मोदी जी ने रात में 8 बजे सब 2000 नोट बंद कर दिए। सुबह देखो तो बिल से सांप निकले जैसे, पत्नी के मसाले डिब्बे से नोटें निकलने लगी, गड़गड़ गड़गड़ करते। थोड़ा ये नोट बदल दोगे क्या? पति बोलता, कल रात तक तो जेर खाने को भी पैसे नहीं थे, ये कहां से आए? क्योंकि पत्नी हो पति हो, लक्ष्मी को तो रहस्य के रूप में रखते ही हैं अपने साथ में, वो कोई भी हो, अंदर में माल भरा हुआ है बाहर से। हाँ, ऐसी लक्ष्मी माँ की मुद्रा करो एक बार। देखो मैं आपको बताता हूं, आप जो नए, जितने भी मुद्रा नहीं जानते हो लक्ष्मी के, वो हाथ ऊंचा करो जो मुद्रा नहीं जानते। किसी को, सामने वाले को देख के मत करो, आप मुझे देखो, मैं आपको समझाता हूं, आज एक अच्छी बात समझाता हूं, ये सुनो। भगवती की महिमा इन उंगलियों में है, यही उंगलियां हाथ जोड़ के भगवती को प्रणाम करते हैं, यही उंगलियों से भगवती की कुमकुम टीका करते हैं, चरण में पुष्प चढ़ाते हैं, यही उंगलियों से धूप करते हैं, यही उंगलियां दीपक करती है, यही उंगलियां नैवेद्य चढ़ा के प्रणाम करते हैं, यही उंगलियां विभिन्न क्रिया करके भगवती से कृपा प्राप्त करते हैं। तो ये हाथों की उंगलियां खाली खाने के लिए, नोट गिनने के लिए नहीं, भगवती के चरण में सेवा पूजा करने के लिए भगवती ने स्वयं बनाए हैं ऐसी उंगलियां। अब देखो आपको बताऊं, आपको एक आज अच्छी चीज समझाऊं, ये आप समझ लीजिए। एक तो हमारे शरीर में पानी कम पड़ता है, कभी पेशाब ज्यादा लगता है, ये सब चीजों का कंट्रोल मशीन ये छोटी उंगली में है। किस उंगली में? यानी ये छोटी उंगली जल की उंगली है। क्या उंगली है? जल की। अब छोटी जल होगी तो बड़ी क्या होगी, आप ही समझ लीजिए। छोटी जल है तो बड़ी अग्नि है, छोटी जल है तो बड़ी क्या है? अग्नि। जल के, छोटी जल है तो जल के विरोधी कौन है? अग्नि है ना। तो जब छोटी जल होगी तो बड़ी क्या होगी? अग्नि। सीधी सरलता से समझा रहा हूं, गर्मी बहुत हो गई शरीर में, ये उंगली से आप कुछ भी ठीक कर सकते हो, ये अंगूठे से, किससे, ये इतने भाग से आप कुछ भी ठीक कर सकते हो। कैसा भी किडनी प्रॉब्लम हो, कैसा भी किडनी काम करना मुश्किल कर दिया, ये छोटी उंगली का बराबर उपयोग समझ लोगे, पेशाब ज्यादा लगना, कम लगना, परेशानी होना, अक्कू प्रेशर, अक्कू पंचर जानने वाले अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपको सिखा देंगे 3 दिन में पेशाब ज्यादा कम लगना सही हो जाता है, एकदम पानी सही हो जाता है शरीर। ये छोटी उंगली जल की उंगली है, बड़ी उंगली अग्नि की उंगली है, दोनों दुश्मन है, बाकी तीनों समान है। देखो ये आकाश है, बीच वाली उंगली क्या है? आकाश। कौन सी उंगली? बीच वाली। ये वायु है, जब भी बहुत गैस प्रॉब्लम आवे, अतिरेक हो जाए गैस का, यहां ऐसे दबाओ अंगूठे से इसको, आधा घंटे में देखोगे कोई चूरन लेना, न कोई हवाबान हरडे लेना, न कोई जीरा लेनी, न कोई हींग लेना, थोड़ा ऐसे दबाओगे तो पेट साफ हो जाए और शरीर की वायु ठीक हो जाए। ये वायु बहुत दुख देती है, दिमाग कई लोगों का घबराता है, तो समझना दिमाग नहीं घबरा रहा, शरीर में वायु ज्यादा हो गया, गैस। क्या ज्यादा हो गया? गैस। वो सिर पर जाके टकराता है, दिमाग उल्टा सीधा सोचता है, दिमाग में घबराहट हो रहा है, ये मुद्रा सबसे बढ़िया मुद्रा है, सब गैस निकाल जाए, दिमाग ठीक हो, पेट ठीक हो, मन ठीक हो। अब लक्ष्मी मुद्रा में जल को ऊपर किया जाता है, जल कौन सा बताओ, मैंने कहा जल, अग्नि को ऊपर किया जाता है, पृथ्वी, ये अंगूठी वाली उंगली पृथ्वी उंगली है, अंगूठी जिसमें पहनते हैं आप, अंगूठी किस उंगली में पहनते हो, वो पृथ्वी है, बीच वाली आकाश है, ये वाली ऐसे करते ये वायु है, ये तीनों को नीचे करके दोनों को ऊपर कर दें, ये छोटी उंगली से छोटी उंगली जोड़ दें, बड़ी उंगली दोनों को, कई लोग ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं पकड़ना, सीधा ऊपर रहना अंगूठा, सीधा आकाश को देखना अंगूठा और छोटी उंगली आकाश को देखना, और तीन उंगलियां
ऐसे तीन उंगलियां नीचे रहना, समझ आया? अंगूठा ऊपर सीधा है, देखो कहां सीधा है, सीधा नहीं है, ऐसे जा रहा है, सीधा ऐसे ऐसे सीधा रखना आकाश की तरफ, ऐसे नहीं जाना अंगूठा, ऐसे रहना, सीधा रहना, ये लक्ष्मी मुद्रा है। संध्या काल में घर में दीपक करके, कुल देवता की दीपक, घर में देवताओं की दीपक करके 5 मिनट वहां बैठ के रोज ऐसे करोगे तो कोई पाप के कारण दरिद्रता आई है और घर में पैसा नहीं टिक रहा है तो ये मुद्रा से लक्ष्मी की ये मुद्रा निश्चित घर में दरिद्रता की निवृत्ति और समृद्धि की कृपा करती है। और नवरात्रि में ये करना बहुत ही अच्छा, संध्या काल में 6:30 बजे सिर्फ 5 मिनट करना है। कितनी देर? सिर्फ 5 मिनट करके घर में दिया धूप करके वहां बैठे रहें 5 मिनट, आप देखोगे हफ्ते भर में अनायासी कोई घर में आपके पति जो यूं कहते हैं कि नहीं नहीं फालतू का खर्चा नहीं करना है, ऐसे कहने वाले खुद ही आपको दो कुछ नोट ला के पकड़ाएंगे कि ले खर्चा कर ले भाई ले, ऐसे पकड़ाएंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि महालक्ष्मी प्रसन्न होती है, तभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं, तब तक नहीं होता है, समझ रहे हो ना बात? तो महाराज ऐसी महालक्ष्मी मुद्रा है।